हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एच थ्री टू थ्री दिस इज दू सो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एच थ्री टू थ्री कॉल फ्लो एच थ्री टू थ्री कॉल ट्रांसफर और एच थ्री टू थ्री प्रोटोकॉल होता क्या है और दूसरा हमने देखा था कि हम एच थ्री टू थ्री गेट को सी यू सी एम पे एड कैसे करते हैं ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम गेटवे पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है हमें फर्स्ट चीज आप गेटवे पे जाओगे गेटवे पे लॉग इन किया कमांड आप यही चलाओगे कॉन्फ टी दैट इज कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कॉन्फ टी ठीक है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है वो उसको हम बोलते हैं वॉइस सर्विस वाइप यानी कि आप उस गेटवे को वॉइस सर्विसेज के लिए बना रहे हो आप सर्विस वॉब ये कमांड जरूरी ठीक है उसके बाद होती है आपकी दो कमांड्स अलाउ कनेक्शन एच थ्री टू थ्री सिप एंड सिप टू एच थ्री टू थ्री ठीक है ये दोनों आपको कनेक्शन अलाउ करने हैं इसीलिए हम ये कमांड्स चला रहे हैं उसके बाद है आपकी एच थ्री टू थ्री गेट वे वॉइ माइंड सोर्स एड्रेस और फिर यहाँ पे आप दोगे आईपी एड्रेस इसमें क्या है एच थ्री टू थ्री गेट वे है वाइप है आप बाइंड कर रहे हो इस एड्रेस को एस्ट्रीट के गेटवे ठीक है यानी कि बाइंड कर रहे हो मतलब जो भी आपकी कम्युनिकेशन जाएगी वो इस आईपी थ्रू आईपी के थ्रू जाएगी ठीक है उसके बाद दो चीजें होती हैं आपकी डायल पियर वॉइस वॉइप और डायल पियर वाइप वॉइस पोर्ट्स ये दो आपके होते हैं डायल पियर्स जो आपको मैंडेटरी हैं आपको जो भी आपको गेटवे पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है ठीक है डायल पेयर टू टाइप्स के होते हैं ठीक है नॉर्मली जो हम बनाते हैं वाइप और पोच्स ठीक है तो ये जो आपकी मेन कमांड्स है ये आपको गेटवे पे चाहिए होती हैं जब भी आप अपना गेटवे कॉन्फ़िगर कर रहे हो ठीक है ये आपको सारी कमांड्स डालनी ठीक है उसके बाद अब हम देखते हैं कि गेटवे पे और क्या क्या कमांड्स होती हैं या इनका और बाकी कमांड्स का यूज क्या है क्या जरूरी है क्या नहीं है डायल पियर्स कैसे बनते हैं ये सब हम इसमें डिस्कस कर ठीक है आप देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इसमें है कार्ड टाइप जो आपका कार्ड टाइप है ई वन यूज कर रहे हो टी वन यूज कर रहे हो जो भी है आपका टी वन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कार्ड टाइप टी वन जीरो जीरो कंट्रोलर आपने बता दिया कौन से कंट्रोलर है टी वन जीरो स्लैश जीरो स्लैश जीरो उसके बाद आपकी जो होती है ये फ्रेमिंग है लाइन कोड है ठीक है ये आप डिस्कस करोगे आप अपने उससे आपके प्रोवाइडर से भी कि क्या फ्रेमिंग यूज करनी है क्या लाइन कोड है जो भी आप ये डिस्कस करोगे वही आप यहाँ पे फ्रेमिंग दोगे लाइन कोड दोगे उसके बाद आप यहाँ पे आप टी वन कन्फिगर कर रहे हो तो आप पी आर आई ग्रुप टाइम स्लॉट्स टाइम स्लॉट दोगे वन टू ट्वेंटी फोर यही अगर आप ई कर रहे होते तो यहाँ पे आप क्या दोगे वन टू थर्टी ठीक है पी आर आई ग्रुप टाइम स्लॉट्स क्यों आपके टी वन है ट्वेंटी फोर चैनल है ठीक है उसके बाद जो आपकी ई वन है उसमें कितने होते हैं थर्टी टू थर्टी बी प्लस टू डी ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंग पी आर आई ग्रुप टाइम्स लॉट उसके बाद अब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिग्नलिंग चैनल की सिग्नलिंग ये आपका इंटरफेस सीरियल जीरो 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 और ट्वेंटी थ्री ये आपका डी चैनल है वन टू ट्वेंटी फोर नॉर्मली है तो ट्वेंटी थ्री जो भी आपका वो है आ, हम पी आर आई टी वन की बात करते हैं तो वो क्या होता है ट्वेंटी थ्री बी प्लस डी ठीक है तो, है, D उसकी पे। तो अब इसमें क्या आपको स्विच टाइप क्या देनी है आई एस डी एन स्विच टाइप ये भी आपके से आप करोगे, बात करोगे जो वो यूज कर रहा होगा वही करनी पड़ेगी आपको तो यहाँ पे आपने स्विच टाइप दे दी प्राइमरी या नहीं ठीक है और उसके बाद आई एस डी एन इनकमिंग वॉइस वॉइस ठीक है ये नॉर्मल हो गया अब डिस्कस करते हैं आपके जो होते हैं दो मेन डायल पीएस ठीक है आपके डायल पियर्स कौन कौन से हैं वाइप और पोर्ट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया था मैंने बताया आपको ठीक है एक आपका वाइप डायल पियर एक आपका पोर्ट्स डायल पियर ठीक है अब वाइप डायल पियर आपका कहाँ कहाँ यूज होता है ठीक है आप देखो आप आपका ये आपका सी यू है में, ये आपका गेट में इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है ये आई कम्युनिकेशन होती है सब कुछ आई बेस्ड है तो जब आपके सी से गेट पे से कुछ जाएगा तो वो आपके वाइप डायल पियर पे रिसीव करेगा ठीक है या अगर गेटवे कुछ सी को भेजेगा वो भी वेब डायल पेयर के थ्रू भेजेगा यानी कि सीए और फोन के बीच में सी और गेटवे के बीच में आपकी कम्युनिकेशन हो गई जब आप कर रहे हो तो वेब डायल पेयर बनाओगे इन दोनों के लिए जब आप गेटवे और पीएसटीएन की बात कर रहे हो यहाँ गेटवे है और आप बात कर रहे हो यहाँ पीएसटीएन है, है। पी पीएसटीएन में आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो इवन टीवन यूज कर रहे हो यानी कि ये है जब आप पीएसटीएन से बात करोगे और स्पेशली जब आप इवन टीवन यूज कर रहे हो तो इनके बीच में आपका पोर्ट स्टाइल पेयर यूज होगा ठीक है यानी कि आप जब पीएसटीन से बात कर रहे हो तो पोर्ट स्टाइल पेयर आपके इंटरनल से बात कर रहे हो वही एनवाइ है तो आपका वाइब टाइल पेयर ठीक है।, है अब लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर मेरा पीएसटी सिप प्रोवाइडर है तो क्या होगा तो अगर वो सिप प्रोवाइडर है दैट मीन आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन है गेट के बीच में भी नॉर्मली गेट वेसेस यूजियम के बीच में आईपी इसलिए हम वेब यूज कर रहे हैं गेटवे से पीएसटीएन के बीच में भी अगर आपका 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 वो वो जो जो है, वो आपका जो आपका सिप है, तो IP है, है, कम्युनिकेशन पे का कोई काम नहीं आप वहां पे outside communication जो से है, है? वो भी आप वो ही बनाओगे, ठीक है? अब देखो सबसे पहले कमांड आपके डायलपियर के लिए डायल पियर वॉइस वन वाइप ठीक है वाइप अब आपको पता चल गया वाइप है ठीक है उसको डेस्टिनेशन पैटर्न टू डॉट 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 दैट मीन टू जीरो 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 से लेकर टू नाइन 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 तक ये वाला डायल पर मैच करेगा ये डेस्टिनेशन पैटर्न है क्या कह रहे हैं डेस्टिनेशन पैटर्न फोर डिजिट मैचिंग और ये वाइप वाला क्या था वही डायल पेयर डिफाइन एस्टेट्री कॉल प्रॉपर्टीज से ठीक है इसके बाद इसने दे दिया सेशन टारगेट सेशन टारगेट आईपीवी फोर ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट वन ठीक है ये क्या है सेशन टारगेट पॉइंटिंग टू आई पी एड्रेस ऑफ रिमोट एच थ्री टू थ्री पीएर अब रिमोट एच थ्री टू थ्री पीयर क्या है आपका यहाँ पे सीयू सी एम का आई पी एड्रेस क्यों क्योंकि ये जो आप कॉन्फिग्रेशन कर रहे हो ये आप गेट वे पे कर रहे हो ठीक है गेट वे पे कर रहे हो दूसरी बात वाइप डायल पे है, तो वाइप किसके बीच में सीयू सी एम और गेट वे के बीच में तो यहाँ पे सेशन टारगेट दे दिया ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट वन ये आपका आई पी एड्रेस है सीयू सी एम का ठीक है उसके बाद कौन से कॉडेक पे आपने बात करनी है आपने यहाँ पे कॉडेक दे दिया कॉडेक जी सेवन इलेवन म्यूलो डिफॉल्ट जी सेवन टू नाइन आपने डिफाइन कर दिया तो जी सेवन इलेवन म्यूलो पे बात करेंगे उसके बाद है आपने डी टी एम एफ ले दिया एच टू फोर फाइव एल्फा नोमेर ये डी टी एम एफ लेके टाइप से इन बैंड सिग्नलिंग होती है आउट बैंड सिग्नलिंग होती है ये उसका है डी टी एम एफ ले तो एनेबल कर दिया इनबल यूजिंग एच टू फोर फाइव अल्फा डिफॉल्ट डिसेबल होता है ठीक है उसके बाद बात आती है आपके पोर्ट स्टाइल पियर की अब पोर्ट स्टाइल पियर आप किसके बीच में बना रहे हो आप गेट पी एस टी के बीच में ठीक है आप कॉल आपको वहां पे तो बाहर भेजनी है जैसे डेस्टिनेशन पैटर्न दे दिया नाइन टी दैट मीन्स नाइन प्रेस करोगे उसके बाद कोई भी नंबर कोई भी नंबर वो इसी से लेके जाएगा और दूसरा ये जो नंबर है ये आपका वन है और ये नाइन है ये आपने रेंडम दिया ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें आपको वो करना है आप कोई भी नंबर दोगे ठीक है डेस्टिनेशन पैटर्न डायरेक्ट इनवर्ट डायल उसके बाद आपने पोर्ट दे दिया पोर्ट जीरो सिग्नलिंग वाला जाएगी, तो वो इसके जा रही है, इस पे जो, वो लगा 0 /0 /0 /0 पे जो लगी हुई है आपकी पी आर आई इस पोर्ट के थ्रू कॉल आपकी बाहर जाएगी क्या कह रही है पोर्ट डायल पियर पॉइंटिंग टू दी आर आई विद डेस्टिनेशन पैटर्न ये डेस्टिनेशन पैटर्न दे दिया ये पोर्ट दे दिया

ठीक है या हो सकता है, अब आपने एक, एक का है, अगर वो है तो आपको फेल ओवर भी चाहिए भी डालना पड़े, क्योंकि आप इसमें डालोगे वो तभी तो आउट करेगा तो, तो अब देखो इसमें क्या है इंटरफेस लू बैक जीरो आई एड्रेस दे दिया एक वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ये आई एड्रेस आपको दे दिया और ये आपका मास्क दे दिया उसका क्या कह रहा है एच थ्री टू थ्री गेट वे इंटरफेस है और कमांड है एस आपका गेटवे का ठीक ठीक क्या कह रहा है 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 जो आपका सारे सारे के सारे है, H323, Signal, और RTP, के और लिए ठीक है? ये आपने क्या किया पहले उस लूबैक को आईपी दे दिया आईपी एड्रेस वन डॉट वन डॉट वन उसके बाद उस आईपी एड्रेस को बाइंड कर दिया एस गेट गेटवे के साथ यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी गेट इसी गेटवे के थ्रू जो इस आईपी के थ्रू वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ठीक है अब उसके बाद एक कमांड है वॉइस क्लास एच थ्री टू थ्री वन और फिर है एच टू टू फाइव टाइम आउट सेटअप फाइव ये क्या है? ये होता है मेनली रेडेंडेंसी के लिए ठीक है रेडेंडेंसी क्या है आपकी <स्थ> <स्थ> क्या कहते हैं यहाँ पे एच टू टू फाइव सेटअप रेडेंडेंसी ट्राई अगर मैं वहां पर ये कमांड चला देता हूँ वॉइस क्लास एच थ्री टू थ्री वन जो की मैंने यहाँ चलाई हुई है इस कमांड के अंदर क्या है टू टू फाइव टाइम आउट सेट अप फाइव ये कमांड चलाई दैट मीन उसको दूसरे डायल पियर पर जाना है क्यों क्योंकि वो फेल हो गया इसीलिए ठीक है वो कह रहा है कि पांच सेकंड में अगर वो नहीं होता तो जाना है ठीक है इसकी हम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमांड क्या है वॉइस क्लास कोडेक वन कोडेक प्रेफरेंस दे दी मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस G729R8 सेकेंड प्रेफरेंस मैंने दे दी G711 म्यूलो ठीक है अब मैंने इस वॉइस क्लास कोडेक 1 के अंदर ये दोनों कोडेक दिए हैं दूसरा वॉइस क्लास H3231 के अंदर मैंने दिया है एच टू टू फाइव टाइम आउट सेटअप फाइव ठीक है और अब आप देखोगे अब मैं ये दोनों कमांड्स डाल दूंगा आपके डायल पेयर में मुझे अलग से ये कमांड या अलग से या अलग अलग डायल पेयर यहाँ पे दो ही हैं आपके कोडेक्स चार होते पांच होते दस होते तो आप अलग अलग कॉडेक्स डालने की बजाय एक बार डिफाइन कर दिया और ये कमांड चला दी दैट मीन्स वो इसको कॉल कर लेगा कॉल इन द सेंस डिफाइन कर दिया मैंने सारी चीज़ें अब देखो मैंने वाइप डायल पेयर बनाया डेस्टिनेशन पैटर्न बनाया सेम चीज़ सेशन टारगेट ये मेरे सी यू सी एम का आई पी दे दिया

दूसरा डायल पेयर तब तब स्विच करेगा जब मैंने बना रखा होगा ठीक है तो अब ये जाएगा इस वाले डायल पेयर पे ठीक है मैं एक बार ये हटा ठीक है? अब ये जाएगा अब ये जाएगा नेक्स्ट डायल पियर पे इस डायल पेयर पे था नेक्स्ट डायल पेयर पे ये अब इसको कैसे पता कि इस डायल पेयर पे जाना है उसके लिए आपको प्रेफरेंस एड करनी पड़ेगी यहाँ पे देखो मैंने डाला है नेक्स्ट डायल पेयर प्रेफरेंस वन अब अगर मैंने इससे ऊपर वाले डायल पेयर में कोई प्रेफरेंस नहीं डाली दैट मीन्स वो हाइस्ट प्रायोरिटी है दैट प्रेफरेंस जीरो है, जो कि डिफॉल्ट है अगर कुछ नहीं डाला तो वो हाईएस्ट दैट मीन्स प्रेफरेंस जीरो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ ये कमेंट चलेगा ये रीच आउट नहीं किया मैंने दूसरा डायल पेयर बनाया सेम वॉइस टू वॉइस पैटर्न यहाँ पे सेशन टारगेट मैंने दूसरा सब्सक्राइबर दे दिया अपना दूसरा सी सीज किया यहाँ पे ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन है यहाँ पे ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट टू ठीक है उसके बाद वॉइस क्लास एच थ्री टू थ्री वन सेम वॉइस के बाद मेन यहाँ पे मैंने दे दी प्रेफरेंस अब हो सकता है मैं यहाँ पे एक और डाइल पे बना दू जिसमें प्रेफरेंस टू भी दे दू ठीक है अगर आपको नहीं देनी तो आप इस कमांड को स्किप भी कर सकते हो इसमें अगर आपकी एक तो ही है तो आप ये कमांड स्किप कर सकते हो वॉइस क्लास एच थ्री टू थ्री वन क्योंकि नेक्स्ट पे तभी जाएगा जिसकी प्रेफरेंस टू होगी अब यह प्रेफरेंस जीरो वाले पे वापस नहीं जाएगा ये जाएगा प्रेफरेंस टू पे ठीक है सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है आपकी ट्राई दिस डायल पेयर फर्स्ट इफ टू डॉट डॉट इज मैच बिकॉज इट हैज हाइस्ट प्रेफरेंस वैल्यू दैट इज जीरो डिफॉल्ट प्रेफरेंस वैल्यू जीरो है देअर फॉर दिस इज इनविजिबल ये इनविजिबल होता है डायल पेयर ठीक है नेक्स्ट में क्या कह रहा है इफ द आई पी होस्ट इन डायल पेयर ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट वन टू एस टू डू इन फाइव सेकेंड तो ये वाला डायल पेयर यूज करेगा जिसकी लोअर प्रेफरेंस है यानी कि ये वाला डायल पेयर क्यों क्योंकि इसकी लोअर प्रेफरेंस है इसकी प्रेफरेंस जीरो थी इसकी प्रेफरेंस वन है ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी क्या कमांड है क्या नहीं है कौन सा वॉइस क्लास कोड एक वन है प्रेफरेंस जीरो आई होप ये चीज सब आपको क्लियर होगा ठीक है इसके बाद आती हैं आपकी ये कुछ कमांड्स हैं आप जब चेक कर रहे हो तो आपको कॉल्स वगैरह चेक करनी है जैसे कि ये कमांड है शो कॉल एक्टिव वॉइस ब्रीफ इसमें आपकी कमांड कॉल्स आ जाएंगे टेलीफोनिक कॉल लैग्स आ रही हैं एच सी टू थ्री की बात कर रहे हैं तो एच सी टू थ्री कॉल लैग आएंगी टोटल टू टौ आ रही हैं या नॉर्मली एक और कमांड है शो कॉल एक्टिव वॉइस आपको इसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी रिमोट आई पी एड्रेस मिलेंगी यू डी पी पोर्ट ठीक है अब कमांड आती है डीबक की आपको ट्रेसिस लेने हैं तो डीबक की मेनली कमांड से डीबक सी सी एच सी टू थ्री उसके बाद एच टू फोर फाइव और एच टू फोर फाइव टू टू फाइव और टू फोर फाइव ठीक है ये कुछ ए एस एन वन लाइब्रेरी के लिए रिलेटेड कमांड है उसके बाद ये एक और कमांड है जो कि बेस्ट है डीबग वी कैपी इन आउट इसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं ठीक है इसमें आप कुछ भी आपको ट्रबल शूट करना है ट्रेस करना है आप ये कमांड चलाओ या डी बग सी सी एच थ्री एच टू टू फाइव चलाओ या टू फोर फाइव चलाओ उन सब में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जब भी आप कुछ ट्रबल शूटिंग कर बट फ्रें दिस कमांड इज वेरी वेरी गुड टीबग सी कैपी इन ठीक है अब एक ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि क्या है ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो अब ये एच क्यू फोन मतलब हेडक्वार्टर है इसमें आईपी फोन है ये लगा हुआ ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट ट्वेंटी क्या करे एच क्यू आई पी फोन यूजर्स हैव रिपोर्टेड दैट दे कैन नॉट रिसीव कॉल्स फ्रॉम पी एस टी यानी कि ये वाले जो यूजर हैं इनको पीएसटीएन से कॉल नहीं आ रही पी का ये वाला यानी कि ये यहाँ से यहाँ कॉल नहीं जा रही ठीक है दे कैन कॉल आउट टू एनी पी एस टी एन नंबर ऑल्सो कॉल्स टू एंड फ्रॉम ब्रांच आई पी फोन वर्क फाइन ये क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर पी एस टी एन पे मैं कॉल करता हूँ तो चल रही है यहाँ से मैं अगर ये वैन के थ्रू ब्रांच राउटर पे जा रहा हूँ तो भी कॉल चल रही है ये ब्रांच राउटर वाले अगर इस पे जा रहे हैं तो भी कॉल चल रही है बट मेन जो कॉल नहीं चल रही वो कॉल पी एस टी एन से फोन पे नहीं चल रही तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन बाउंड कॉल्स जो है पी एस टी एन से एच क्यू आई पी फोन क्यों फेल हो रही है ठीक है और किसके साथ डीब और ट्रेस वगैरह दिखाने हैं मुझे उसके साथ दिखाने कि क्या फाइंड आउट किया मैंने कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है? ठीक है हाँ देखो इसने हमने डिस्कस कर लिया कि एच क्यू आई पी फोन है इन बाउंड कॉल्स नहीं चल रही आउटबाउंड कॉल्स चल रही है और एच क्यू आई पी फोन से ब्रांच आई पी फोन सब चल रहा है टू एंड फ्रो ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे ये चलो सिग्नलिंग है सारा बताया हुआ है यह कह रहा है कि फोन और सीयू सी के बीच में ये आपकी चल रही है ये एस सिग्नलिंग है जब आप इसके बीच में बात करोगे तो फोन स्टेब्लिश हुआ है तो ये आर टी गेटवे और फोन के बीच में चलेगी ठीक है इन दोनों के बीच में हमने पी लगा रखी है और सी और गेटवे के बीच में एच थ्री टू थ्री सिग्नलिंग चल रही है ठीक है ये सारी चीजें हैं अब सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना है अब पी से कॉल पी एस से फोन पे नहीं जा रही ठीक है दैट मीन्स आपको सबसे पहले चेक करना है कि गेटवे पे कॉल आ भी रही है या नहीं कहीं गेटवे पे कॉल ही ना पहुंच रही हो तो सबसे पहले आप क्या कमांड चलाओगे डीबग आई एस डी एन क्यू नाइन थ्री वन ठीक है क्यू नाइन थ्री वन आपकी लेयर थ्री ठीक है ये क्या करे पी आर आई इज द फर्स्ट पॉइंट एंट्री फॉर दी एस टी एन कॉल सबसे पहले आप चेक करो कि कॉल पी के थ्रू आई भी है या नहीं यहाँ से आप चेक कर लोगे अब लेक सपोज चलो कॉल तो आ गई है अब कि चेक करो कि डायल पियर मैच भी करा या नहीं तो आप कमेंट चलाओगे डी बग वेब डायल पियर इन आउट ठीक है अब आपने देखा ओके डायल पियर भी बना हुआ है डायल पेयर मैच भी कर रहा है तो उसके बाद चेक करोगे इफ द करेक्ट डायल पेयर इज मैच तो आप एच टू टू फाइव के सेटअप इवेंट्स देखोगे की सी यू सी एम को गए हैं या नहीं गए गेटवे पर आ गए आपको अगर कॉल फ्लो याद हो पिछले लेक्चर में तो से सी यू सी एम के बीच में कनेक्शन तो बनेगा सेटअप इवेंट्स तो बनाएगा एस टू टू फाइव के बनेंगे तो डी बग सी सी एस थ्री टू थ्री एस टू टू फाइव डी बग एस टू टू फाइव इवेंट्स ये आप कमांड्स चलाओगे ठीक है अब हमने ये कमांड चलाई डी बग आई एस डी एन क्यू नाइन थ्री वन ये मैंने गेट वे पे चलाई तो मैंने क्या चेक करना है इसमें कि कॉल आ रही है या नहीं आ रही ठीक है आपने देखा ओके कॉलिंग पार्टी नंबर है कॉल पार्टी नंबर है ठीक है कॉलिंग पार्टी नंबर ये आ रहा है कॉल पार्टी नंबर ये आ रहा है ठीक है ट्रांसविट में आ गया कॉल प्रोसीडिंग आ गया ठीक है ये सब आ गया तो दैट मीन्स कॉल तो आपकी आ गई गेटवे पे गेट वे पे आइए आपने डायल पेयर बना रखे यानी डायल पेयर मैच भी कर रहे हैं ठीक है अब उसके बाद आपने कमांड चलाई डी बग सी सी एच थ्री टू थ्री एच टू फोर फाइव गेटवे पे अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है क्या चेक करते हैं कि सेटअप के इवेंट्स क्या है सेटअप इवेंट्स मुझे चेक करने हैं ठीक है आप पूरा ये चेक करोगे उसमें आप ये देखोगे सोर्स एड्रेस दे रखा है ठीक है सोर्स एड्रेस यहाँ पे देखोगे वन डॉट वन डॉट वन है डेस्टिनेशन एड्रेस ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन है जो कि मैंने कॉन्फिगर किया ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन मेरा सी यू सी एम का आई पी सोर्स एड्रेस वन डॉट वन डॉट वन दैट मीन्स मेरा ये क्या है आपका जहां से मैं अपनी कॉल को भेजा यानी कि गेट वे का दैट मीन्स यहाँ से कॉल भी जा रही है बट गेट वे पे नहीं पहुंची सॉरी फोन पे नहीं पहुंची कॉल तो ठीक है अब आपको ये चेक करना है कि फोन पे क्यों नहीं पहुंचे गेटवे पे तो सब कुछ ठीक है तो मेन चीज इसमें क्या था ठीक है कि जो आपने गेटवे पे कॉन्फ़िगरेशन करी वो ये की थी अगर आपको ये याद हो कमांड्स चार इंटरफेस लू बैक जीरो आईपी एड्रेस डाला एच एच डी गेट पॉइंट सोर्स एड्रेस ये डाला बट गेटवे जो मैंने सी पे कन्फिगर किया है मैंने वहां पे डिवाइस नेम में डालने के बजाय मैंने डाल दिया टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन तो जो आपका सीयू सी एम पे जो गेट वे कन्फिगर किया वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कॉल इस एड्रेस से आएगी उस पर मैंने ये डाल दिया वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन तो ये कॉल तो सीयूसीएम को भेज रहा है बट सीयू सी एम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सीयू सी एम को पता है कि कॉल तो मेरी टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन से मैंने तो वहां से लेनी है तो ये कॉल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ठीक है यही लिखा हुआ है और जो सी रहा है कि गोल आएगी .1 .1 से तो वो मिस मैच हुआ इसीलिए सीयूसीएम क्लोज टीसीपी सॉकेट दैट मीनस कि सीयूसीएम एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो अब इस केस में क्या है या तो आप इसका आईपी चेंज करोगे गेटवे पे ये वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन की जगह टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन कर दोगे या फिर जो आपने गेट में यहाँ पे आई डाला इसको वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन कर दो दैट मीनस ये दोनों जब मैच होंगे तभी आपके पास कोल आएगी पे ठीक <coughs> है आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ठीक है और कुछ भी आपको इशू हो आपको कुछ टाइम स्केड्यूल करना हो मेरे साथ आप इस लिंक पे जाके कर सकते हैं टॉप मैट डॉट आईओ स्लैश टेक्निकल वेंचर ठीक है आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज एटलीस्ट गेन हुई होगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल माई अपकमिंग वीडियोज थैंक यू